नमस्कार आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। CSK और पंजाब के बीच में आज IPL का 11वां मैच खेला गया। दोस्तों आइए इस मैच के बारे में हम आपको पूरे हाईलाइट के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें ताकि IPL और क्रिकेट की सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों CSK ने टॉस जीता और टॉस जीते के बाद में पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पंजाब की टीम ने पहले बैटिंग करना शुरू किया और 180 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में। दोस्तों अगर पंजाब टीम की बात करें, पंजाब किंग्स की तरफ से अग्रवाल ने 2 गेंदों में 4 रन और 1 चौका लगाया, जबकि धवन ने 24 गेंदों में 33 रन बनाए जिनमें 4 चौके लगे थे। राजपक्षे ने 5 गेंदों में 9 रन और सबसे ज़्यादा रन बनाए लिंगेस्टन ने 32 गेंदों में 60 रन। और अगर शर्मा की बात करें तो इन्होंने 17 गेंदों में 26 रन बनाए। आवेश खान की बात करें तो 11 गेंदों में 6 रन, कोई बाउंड्री इनके बल्ले से नहीं निकली। स्मिथ की बात करें तो 7 गेंदों में 3 रन और रबादा ने 12 गेंदों में 12 रन। चहर की बात करें तो 8 गेंदों में 12 रन और अरोरा की बात करें तो 2 गेंदों में 1 रन अतिरिक्त के रूप में मिले 14 रन। और इस प्रकार से कुल पंजाब की टीम ने 180 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में। दोस्तों जो खिलाड़ी बैटिंग करने से बाकी रह गए उनमें अर्शदीप सिंह थे और विकेट गिरने का जो सिलसिला था 4 के स्कोर पर पहला विकेट, 14 पर दूसरा, 109 पर तीसरा, 115 पर चौथा, 146 पर पांचवां विकेट गिरा और 151 के स्कोर पर छठा विकेट गिरा, 161 के स्कोर पर सातवां विकेट और 176 के स्कोर पर आठवें विकेट के रूप में चहर आउट हुए 18.6 ओवर की गेंद छठी गेंद पर। तो दोस्तों इस प्रकार से विकेट गिरने का सिलसिला रहा और उसके बाद में CSK की टीम यानी चेन्नई सुपर किंग की टीम बैटिंग करने के लिए उतरी। और उसकी अगर बात करें बैटिंग की तो आइए हम आपको बताते हैं चेन्नई सुपर किंग की बैटिंग किस प्रकार से रही। उथप्पा ने 10 गेंदों में 13 रन बनाए और कैच पकड़े गए मयंक अग्रवाल और उसके बाद गायकवाड़ की बात करें तो 4 गेंदों में 1 रन और मोइन अली की बात करें तो 2 गेंदों में 0 रन, रायडू की 21 गेंदों में 13 रन, जडेजा की बात करें तो 3 गेंदों में 0 रन बनाए, दुबे की बात करें शिवम दुबे ने 23 गेंदों में 37 रन, 19 गेंदों में 10 रन महेंद्र सिंह धोनी ने बनाए और अतिरिक्त के रूप में 3 रन मिले। कुल अगर बात करें रनों की तो CSK की टीम की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा खराब रही और कोई विशेष खिलाड़ी रन नहीं बना सका और लास्ट में बहुत ही बुरी तरीके से मैच में हार का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा लग रहा था कि CSK की टीम पंजाब पर हावी होती नजर आ रही थी, लेकिन पंजाब की टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से मैच को बदल दिया और आज फिर से एक बार CSK को हार का सामना करना पड़ा। तो CSK की टीम को तीसरी बड़ी हार आज मिली और इस प्रकार से CSK की टीम अब यहां पर IPL से बाहर होती नज़र आ रही है। आप CSK टीम के बारे में क्या कहते हैं और महेंद्र सिंह धोनी ने जो इस बार कप्तानी छोड़ दिया उसके बारे में आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बने रहिए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों लाइक तुरंत कर लें। और दोस्तों पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इसलिए पूरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और इसी वीडियो में हम आपको पूरे हाईलाइट के बारे में बताएंगे।